सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। उत्तर प्रदेश के जो जितर विक्रेता लगातार दो वर्षों से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है, इस पर भी 18 जनवरी को इको गार्डन मैदान पर एक प्रदर्शन हुआ था। तर से जो उनके साथ सूत्री मांगे हैं प्रदेश नेतृत्व की, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती कोई भी उच्चतर विक्रेता खाद्यान्न को उठान नहीं करेगा। कोटेदार लगातार शोषण का शिकार होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारियों और शासन स्तर से ध्यान न दिए जाने के कारण कोटेदारों की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। पॉस मशीन जो शासन के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे है वो लगभग फेल का हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वर नहीं आ रहे हैं, लेकिन भी सरकार जबरदस्ती दबाव बनाकर इनके ऊपर वितरण के लिए वो कर रही है, जबकि जनता परेशान घूम रही है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वितरण व्यवस्था में किसी भी सर्वे के पूर्व नई व्यवस्था को लागू करना खास तौर से जनता के परेशानियों का सबब बन चुका है। सरकार को इस ओर ध्यान दें और जनता को राहत देते हुए मशीन के साथ साथ मैनुअल वितरण का भी आदेश जारी करें, जिससे जनता को जो परेशान है, वृद्ध हैं, बेरोजगार मजदूर टाइप के लोग हैं जिनके अंगूठा मशीन पर नहीं लग पाते, सर्वर की समस्या है, उनको इस समस्या से निजात मिल सके। यहाँ पर एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हुए हैं कि अगर ये सात सूत्री मांगे जो हमारे प्रदेश नेतृत्व की हैं, अगर वो मांगे जल्द से जल्द शासन स्तर से पूरी नहीं होती है तो जनपद बांदा का कोई भी उच्चतर विक्रेता खाद्यान्न को ठान न करते हुए हड़ताल पर चला जाएगा। हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे कोटेदार हड़ताल पर चले गए हैं, शासन स्तर से पर इनकी ये सात सूत्री मांगे हैं, जब तक सर ये मांगे पूरी नहीं होती इनके द्वारा किसी प्रकार से गोदामों से खाद्यान्न को उठान नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रदर्शन का विज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब। हमारी मांगे हैं कि हमारा लाभांश 200 से 250 रुपये किया जाए प्रति कुंतल, या 25,000 से 30,000 रुपया वेतन दिया जाए मांग रहे। दूसरी मांग है जितनी हमारी मृतक आश्रित की दुकानें हैं वो तत्काल रूप से आश्रितों को आवंटित की जाए जिससे उनकी दुकानें संचालित हों। और तीसरी है अभी तक 2011 से लेके अभी तक का हमारा भाड़ा बकाया भुगतान करवाया जाए और डोर स्टेप डिलीवरी के तहत हमें खाद्यान्न दिया जाए, गोदाम से होने वाली घटतौली बंद कराई जाए। हम लोगों को 47 किलो 48 किलो की बोरी 51 किलो के भेंट पे मिलती है। इसके बाद अगर कोई बाई चांस तुलवाता भी है तो बोरी का भेंट नहीं काटना। ये खाद्यान्न कोटेदार कहाँ से पूरा करें? तो लखनऊ में 18 तारीख को प्रदर्शन किए, धरना किए, वहाँ पे हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने साफ निर्देश दिए हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश इस माह के उठान बंद करेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।